महानगर गैस, गुजरात गैस, आईजी। आज हम देख रहे हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं उसमें भारी पिटाई है। महानगर गैस 15% नीचे है, आईजीएल में 8% की गिरावट है, गुजरात गैस का शेयर भी करीब करीब 5% टूट गया है। एमजीएल ने दाम कटौती की है प्राइसेस में, लेकिन ये खबर उतनी बड़ी नहीं थी कि शेयर 15% टूट जाए। सरकार को लगता है कि अभी भी कंपनियों की कमाई ज़्यादा हो रही है और एंड कंज्यूमर को उतना फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए जो सरकार का लक्ष्य है, और इस आशंका में, इस डर में ये शेयर टूट रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ना, कल परसों की बात है, उदय कोटक ने ये कहा था कि ये ध्यान रखना होगा कि रेगुलेशन के चक्कर में कहीं ग्रोथ ही ना क्रश हो जाए। खैर, विवेक जी आप जरा बताइए कि आईजीएल, महानगर गैस, गुजरात गैस, ये शेयर टूट रहे हैं इन कंपनीज को लेकर, इनकी कमाई को लेकर, आप किस तरह से देख रहे हैं और आपका टेक क्या है इन कंपनीज पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में जब ऐसी खबरें आती है तो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, तो वो एक डैम्पनर जरूर होता है और उसके कारण हमको आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इसको एक और नजरिए से देखिए, जो डीजल और पेट्रोल है ये तो हमेशा सरकार की नजर में रहते हैं और कोई ना कोई ओवर रेगुलेटेड सेक्टर है वो तो, लेकिन फिर भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है आज के दिन अच्छी कर रही है। तो जहां आगे चल के मुझे लग रहा है कि गैस का जो कारोबार है, ऑयल और ऑयल एंड गैस में, गैस ज्यादा ये रहेगा, तवज्जो देगा आपको और आगे चल के ओवरऑल गैस ठीक रहेगा। अब जो ये शॉर्ट टर्म न्यूज है, ये वापस मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत क्लोजली वॉच करेगी जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाए। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबका एम ये रहता है कि आपको फाइनल इलेक्शन जीतना है और कोई भी माहौल खराब नहीं हो। अब वो माहौल खराब नहीं करने के चक्कर में अगर कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर को शॉर्ट टर्म अगर पेन झेलना पड़े तो आई थिंक उसका कोई चारा नहीं है, हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर ऐसे मौके मिलते हैं, 15% अगर नीचे जाता है आगे चल के, तो वो एक पॉजिटिव लेके आपको उसमें खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इलेक्शन तक ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीएनजी पीएनजी वाली कंपनीज पर।